आज कुछ रंग प्यार के एपिसोड में दिखाया जाता है कि देव बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं सोनाक्षी को। और उस टाइम पे सोनाक्षी आके पूछती कि ऑल इज़ वेल, एंड देन ये रिप्लाई देते हैं कि हाँ सब कुछ अभी ठीक है क्योंकि तुम मेरे पास हो, यू आर माई लाइफ लाइन। और उसी टाइम पे देव सोनाक्षी को लेके बेड पे जाके बैठते हैं और वहाँ पे वो दोनों बात करते हैं। उसी टाइम पे सोनाक्षी ये पूछती है कि आज मैं नहीं जा पाई थी आयुष के एडमिशन के लिए, मैं कल जाऊँगी। उसी टाइम पे देव ये रिप्लाई करते हैं कि मैं उनसे बात कर चुका हूँ, नेक्स्ट टाइम जाके मिलेंगे। तब सोनाक्षी समझ जाती है कि वो देव आयुष के नाना नानी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके पास वो गया था आयुष की कस्टडी के बारे में बात करने के लिए। तब सोनाक्षी पूछती कि उन्होंने क्या आंसर दिया है। तब देव बोलता है कि उन्होंने कहा है कि अभी उनका बेटा खो गया है, तो इसीलिए वो आयुष के ऊपर थोड़ा समझदारी के लिए थोड़ा टाइम चाहते हैं अपने लिए कि कैसे वो ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते। वो सुन के सोनाक्षी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो ये पूछती है देव को कि ऐसे कैसे, उन्होंने ही तो कहा था कि हम अपना बेटे को अपने पास रखें, फिर भी वो नहीं चाहते कि उसके ऊपर हमारा लीगल राइट रहे। तब देव बोलते हैं कि अभी उन्होंने अपना बेटा खोया, इसलिए उनको थोड़ा टाइम दो। तब वो दोनों एक साथ रहते हैं और थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को देव बाहर जाता है, उसी टाइम पे सुहा वहाँ पे एंग्री बर्ड का टेडी लेके बैठी हुई होती है और वो बहुत सैड दिखती है। तब देव सोचते कि उससे जाके बात करें, और देव जब उससे बात करते हैं उसी टाइम पे सुहा बोलती हुई दिखती है कि मुझे लगता है आयुष आने के बाद कि मैं आउटसाइडर हूँ, दादी मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती है, मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, और मुझे लगता है कि वो मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। तब देव उसे काम डाउन करना चाहते हैं और उसे ये बताना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम किसी के ऊपर गुस्सा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्यार दिखाने का एक डिफरेंट मूड होता है। तभी सुहा इसके बाद रोने लगती है क्योंकि उसे ये बात अच्छी नहीं लगती, उसे लगता है कि सारे उससे दूर चले गए हैं और आयुष को अपना लिया है। तब देव उसे काम डाउन करते हैं और ये बोलते कि वो हमेशा उसकी प्रिंसेस रहेंगी, और थोड़ा उनको स्माइल करवाते। तब सुहा खुश हो जाती है और वो स्माइल करती रहती है। तब सोनाक्षी देखता है कि उन दोनों के कमरे में गए थे और देखते हैं कि सुहा का बेड बहुत ज़्यादा मेस्ड आउट है, लेकिन आयुष का बेड बहुत ज़्यादा क्लीन है। तो उसे देख के सोनाक्षी को यह लगता है कि आयुष बहुत ज़्यादा मैच्योर है। तब उसे दिखता है कि आयुष और आयुष के पिता का एक फ़ोटो। तब वो आयुष के पिता को थैंक यू बोलता है कि उसने उसके बेटे को इतने अच्छे से रखा अपने साथ, तो जो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद उसे एक आइडिया भी मिलता है कि कैसे वो आयुष से बात करे, आयुष के क्लोज जाए। तभी आयुष वहाँ पे आ जाता है और उससे सुहाना के बारे में सोनाक्षी बात करती है, और सोनाक्षी उसे सॉरी भी बोलती है सुहा की तरफ से कि सुहा ने उसे कल रूम में बंद किया। तब आयुष बोलता है उसे कि ऐसे कुछ बात नहीं है, सुहा ने उससे पहले ही माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि रात में सुहा उसके पास आई थी और उसने उससे बात की थी कि क्यों इतना वो डरपोक है। तब आयुष ये बोलता है उसे कि अगर मेरे सॉरी बोलने से तुम खुश हो तो मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। तब सुहा बोलती है कि आई एम ऑल्सो सॉरी। तब सुहा बोलती है कि तुम ऐसे डैमी की तरह क्यों बैठे रहते हो, मैंने तुम्हें सॉरी बोला तो तुम्हें इट्स ओके तो बोलना चाहिए। तब ये सुन के आयुष को लगता है और वो बोलता है कि मेरे इट्स ओके बोलने से तुम खुश हो जाओगी। तब सुहा बोलती है कि हाँ मैं खुश हो जाऊँगी। तब आयुष बोलता है कि ठीक है इट्स ओके। देन सुहाना थोड़ी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसी बात से वो सोनाक्षी को बताता है कि पहले उसने माफ़ी मांगी है, फिर से उसे कुछ ना बोले, नहीं तो फिर से गुस्सा हो जाएगी उसके ऊपर। इसी बात पे सोनाक्षी ये बोलती है उसे कि सुहा ऐसी नहीं थी, लेकिन सडनली आयुष के आने से उसे थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो रहा है, इसीलिए शायद वो ऐसे बिहेव कर रही है। अदरवाइज सुहा बहुत ही अच्छी और काइंड लड़की है, लेकिन आयुष के आने से उसे जेलिसी हो रही है, इसलिए वो ऐसे बात करती है। तब दिखाते हैं कि एलिना उसके फ़ैन से मिलने के लिए उस कैफ़े में जाती है और उसे वो कैफ़े बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वहाँ से बहुत सारा सेल्फ़ी ले रही है ताकि उसे वहाँ से प्रमोशन के लिए फिर से फ़ोन आए। तभी उससे उस फैन से टकरात होती है और सारी चीज़ें नीचे गिर जाती है।
तब वो फ़ैन उसे देखता है और सारी चीज़ें उठाने के लिए उसकी मदद भी करता है। और उसी टाइम के एलिना बोलती है कि नो प्रॉब्लम, थैंक यू, बोल के वहाँ से चली जाती है। तब दिखाते कि सोनाक्षी आयुष को लेके किचन में जाती है और वहाँ पे वो पिज़्ज़ा बनाने की ट्राई करती है और उसे पूछती है आयुष को कि उसे पैन पिज़्ज़ा बनाना आता भी है कि नहीं। तब आयुष बोलता है कि नहीं, उसे पैन पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता। तब सुहाना आती है वहाँ पे, लेकिन वो नहीं आ पाती है क्योंकि ईश्वरी वहाँ पे रहती है। और फिर सोनाक्षी उसे पैन पिज़्ज़ा बनाना सिखाती है कि कैसे चीज़ ग्रेट करना है, कैसे उस पर टॉपिंग डालना है। वहाँ पे पूरा प्रोसेस, जैसे बटर, चिकन, वहाँ पे सॉसेस, सब वो वहाँ पे आयुष को सिखाती है एज लाइक अ मदर गाइडेंस। जहाँ पे कुछ देर के बाद दिखाते हैं कि मामी जी वहाँ पे आती है और मामी जी को देखने के बाद मामी जी सोना और आयुष को एक साथ देखती है और वो खुश देखती है। तभी वो ईश्वरी जी को वहाँ पे बुलाती है और ईश्वरी जी ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि सुहाना के दूर रहने के बाद ही सोना आयुष के साथ इतना घुल मिल सकती है। और उसी टाइम पे सोना ये भी बताती है आयुष को कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या क्या सिखाया था। तब आयुष बोलता है कि मुझे इंस्टेंट नूडल्स बनाना भी आता है और मुझे केयरफुली सब कुछ बनाना आता है। तब सोना बोलती है उसे कि ये तुम्हारी एज के लिए बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। तब आयुष बहुत काइंडली रिप्लाई देता है कि उसने डैड ने उसे केयरफुली गैस को ऑन और ऑफ़ करना सिखाया है और बहुत अच्छे से ये वो कर सकता है। इसी बात पे ये आयुष बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके डैड अभी नहीं रहे। तब सोना उसे गले से लगाती है और इसे ये बोलती है कि ऐसा कोई नहीं, हम आज पैन पिज़्ज़ा बनाएंगे तुम्हारे डैड की तरफ से। तब वो दोनों डैड की तरफ पैन पिज़्ज़ा बनाने लग जाते हैं, अच्छे से पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग्स और पूरा उसका प्रोसेस रेडी करके माइक्रोवेव में डाल देते हैं। और उन दोनों को खुश देख के ईश्वरी और मामी जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसे सोना को आयुष के साथ इनिशिएटिव लेने के लिए देख रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सोना इतने अच्छे से आयुष से बिहेव करती है और टाइम स्पेंड भी करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात लगती है ईश्वरी जी को। उसके बाद उन्हें ईश्वरी जी को लगता है अगर सुहाना वहाँ पे चली आएगी तब सोना शायद आयुष के साथ टाइम स्पेंड ना कर पाए। इसीलिए ईश्वरी जी मामी जी के साथ बोलती है कि सुहाना घर पे है तो हमें उसे जाके रोकना पड़ेगा। तब वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से सोनाक्षी के साथ सुहाना को रोकने के लिए। सुहाना तब उस टाइम पे गाना गाना चाहती थी। तब मामी जी कहती है कि तुम मेरे सामने प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपने माँ के पास जाके ये सॉन्ग सुनाना। तभी वहाँ पे विकी आ जाता है और वो आइसक्रीम लेके आयुष और सुहाना को देता है। सुहाना ये बोलती है कि सिर्फ मेरे लिए, मुझे लगा कि आप लाए हो लेकिन आप आयुष के लिए भी लाए हो। तब विकी बोलता कि ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों के लिए लाए हैं। तब ईश्वरी बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है। ईश्वरी ये बोलती है कि आज वो दोनों एक साथ रहे हैं क्योंकि सुहाना उसके पास नहीं जा पाए, तो अगर तू उसे अपने घर ले जाता है और गोलू के साथ रखता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि सुहाना के ना होने से सोनाक्षी आयुष के ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। तब विकी को लगता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है और मामी जी को भी लगता है। इसी के बाद विकी को ईश्वरी रिक्वेस्ट करते कि ऐसा करने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि यही एक लास्ट ऑप्शन है। तब विकी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा बुआ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ईश्वरी और मामी जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि कुछ दिन के लिए शायद अभी सोना और आयुष एक साथ रहेंगे और एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद सोना अपने ऑफिस पहुँचती है, जतिन के साथ वहाँ पे एक फ़ोटोशूट होता है उस टाइम पे उनके न्यूट्रिशंस के बारे में। तब जतिन बोलता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं उसके ऑप्शन के लिए। तब सोना वहाँ पे उस चीज़ों को, डिश को थोड़ा और ज़्यादा डेकोरेट कर देती है और उसे अच्छे से और ज़्यादा प्रेजेंट करती है। उसके बाद वो आयुष के लिए जो पिज़्ज़ा उसने बनाया था वो जतिन को खिलाती है। तब आयुष के लिए बात करने के लिए जतिन बोलता है कि बहुत अच्छे से बना है, अभी अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड करो। तब सोना बोलते हैं कि मुझे मेरा देव भी मिल गया, क्योंकि देव भी मेरे साथ एक देव दीक्षित की तरह बात कर रहा है, जो कि बहुत ही दिनों के बाद उसे मिला है।
उसके बाद दिखाते हैं कि एलिना के पास वो उसका फ़ैन पहुंचता है और उसे बोलता है कि पूरा कैफ़े फुल है तो मैं क्या वहाँ पे बैठ सकता हूँ कि नहीं। तब एलिना बोल रही है ठीक है आप बैठ जाइए। उसके बाद वो कॉफ़ी के शुगर के लिए पूछता है, तब एलिना उसे बोलती है कि आप ये कैफ़े की चीज़ें आप अपनी इच्छा से ले सकते हो। उसके बाद उसका फ़ैन उसे मैसेज करता है और उसे पूछता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन एलिना समझ नहीं पाती कि उसे उसी फ़ैन ने मैसेज किया जो अभी उसके सामने बैठा हुआ है। तब उसका फ़ैन उसकी तरफ़ देखता है और सोचता है कि ये मुझे पहचान नहीं पा रही है और जो उसे देख के अच्छा नहीं लग रहा था। अभी एलिना वो सोचते सोचते वहाँ से बैठी रहती है। उसी टाइम पे दिखाता है कि सोनाक्षी को देव फ़ोन करते हैं और उसे पूछते हैं कि उसी के फेवरेट कैफ़े में लेकर जाने के लिए। तब सोनाक्षी को लगता है कि वो शायद उसे डेट के लिए पूछ रहा है और देव कहता है कि हाँ मैं आपको डेट के लिए पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ जाना की पसंद करेंगी। तब सोनाक्षी बोलती है हाँ मैं अभी जा रही हूँ। तब सोना वहाँ पे पहुँच जाती है लेकिन देव एक मीटिंग में अटक जाते हैं क्योंकि उसने जो लैंड वहाँ पे क्लियर किया था उसका पूरा क्लियर हो गया है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। लेकिन सोना वहाँ पे बहुत दिन से वेट कर रही है और उसी टाइम पे उसे कॉल भी कर रही थी लेकिन देव अपने मीटिंग में बिज़ी थे तो उसने कॉल देखा नहीं। उसके बाद उसके कलीग ने उसे कहा कि आप जाके थोड़ा हमारे एम्प्लॉय से बात करिए। तब वो देव वहाँ पे चले गए और वो भूल गए कि सोना को वो ने प्रॉमिस किया था कि अभी वो उनके साथ कैफ़े में जाएंगे। उसी टाइम पे उनका फ़ोन फिर से आ रहा है सोना के लिए लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाते और सोना वहाँ पे खड़ी रहती है और देव वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के टाइम हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।